एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा यूज़फुल टॉपिक लेकर के आई हूँ, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा और ख़ासकर ये न्यू मम्मी के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा, जिनके छोटे बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ, क्योंकि मेरा 6 मंथ्स का बच्चा है और मैं उस पर ये सब प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। इसलिए आज मैं आप लोगों को ये सब प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ कि मैं क्रियांश के ऊपर कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। सो आई होप आप लोगों को ये प्रोडक्ट अच्छा लगे, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो पहले आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर के आऊँ। सो मैं सोची कि कुछ अलग मैं वीडियो आप लोगों को लेकर आऊँ, ताकि वो आप लोगों को बहुत अच्छा लगे। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं क्रियांश के ऊपर कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो बच्चों का होता है मसाज। तो मसाज ऑयल अगर अच्छा होना तो उसका जो बोन है वो काफ़ी अच्छा होता है, वो बोन जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो प्लीज़ आप अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा मसाज ऑयल यूज़ कीजिए। तो मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा यूज़फुल वीडियो लेकर के आई हूँ। तो मैं क्रियांश के ऊपर कौन सा मसाज ऑयल, मतलब मैं उसको कौन सा मसाज ऑयल लगाती हूँ, मैं आपको आज बताती हूँ। तो सबसे पहले जो मसाज ऑयल है वो हिमालय का है। ये हिमालय का बेबी मसाज ऑयल है, आप देख सकते हैं, ये बेबी मसाज ऑयल है हिमालय का, जो कि बहुत ही अच्छा है। और सबसे बड़ा बात है कि ये जो है ना हिमालय का प्रोडक्ट जितना भी है वो क्लिनिकली टेस्टेड है, और ये ना पैराबेन फ्री है, मिनरल फ्री है। सो आप अपने बच्चों को ज़रूर यूज़ करें, और इससे ना आपके बच्चों का स्किन टोन भी अच्छा होता है। और जो भी आप मसाज करते हैं इसको प्रॉपर आप अगर तरीके से करेंगे तो बिल्कुल आपके जो बच्चे का जो मसल्स है, जो बोन है, वो बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। सो प्लीज़ आप हिमालय का ये प्रोडक्ट ज़रूर यूज़ करें, ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और दूसरा जो मसाज ऑयल मैं यूज़ करती हूँ वो आयुर्वेदिक है, ये डाबर का लाल तेल। ये लाल तेल भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है बच्चों के लिए, क्योंकि ये आयुर्वेदिक है और इसमें बहुत सारे आयुर्वेदिक जो भी चीज़ें हैं जो मसाज के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, वो इन्ग्रीडियंट्स जो है ना वो इसमें मिले हुए हैं, जैसे कि हर्ब्स हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो आप इसको ज़रूर यूज़ करें, ये बहुत अच्छे होते हैं बच्चों के बोन के लिए, मसल्स के लिए। सो आप प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और मैं क्रियांश को ये मैं डेली यूज़ करती हूँ, मैं क्रियांश को ये शाम में लगाती हूँ, और जो हिमालय का ये जो मसाज ऑयल है ये मैं क्रियांश को सुबह में लगाती हूँ। सो आप भी अपने ये अपने बच्चों पे ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि मैं ये ना बिल्कुल एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ, क्योंकि ये क्रियांश को बहुत ज़्यादा सूट किया है। क्रियांश अभी 6 मंथ्स का है, वो बैठ भी जाता है, वो स्क्रॉल कर जाता है। सो प्लीज़ आप अपने बच्चों को ये ज़रूर ट्राई करें। सेकेंड प्रोडक्ट मैं लेकर के आई हूँ बच्चों के लिए, वो है हिमालय का बेबी पाउडर और ये जॉनसन्स का बेबी पाउडर। दोनों पाउडर जो है ना ये बेस्ट हैं, ये मैं क्रियांश को डेली अप्लाई करती हूँ मैं। ये बहुत ही अच्छा है और ये बच्चों को ना, बच्चे के स्किन को काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट करता है, बच्चे की स्किन को ड्राई होने से बचाता है, और ये भी बिल्कुल पैराबेन फ्री है, मिनरल फ्री है। ये सब प्रोडक्ट जितने भी मैं आपको बता रही हूँ ना, सब बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं और ये क्लिनिकली टेस्टेड हैं। सो प्लीज़ आप अपने बच्चों को ये ज़रूर ट्राई करें। थर्ड प्रोडक्ट है वो हिमालय का बेबी लोशन है, ये भी ज़रूर अप्लाई करें बच्चों पे, ये भी बहुत अच्छा है। ये जो बच्चे की स्किन है ना, इसको बिल्कुल ही ड्राई होने से बचाता है और ये बिल्कुल स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। सो प्लीज़ आप अपने बच्चे को ये ज़रूर अप्लाई करें, ये भी बहुत ही अच्छा है। एक और जो है वो बेबी क्रीम है जॉनसन्स का, ये भी बहुत अच्छा है। ये जो आपके बच्चे का स्किन है ना, इसको सॉफ्ट करता है और ये काफ़ी घंटे तक चलता है। सो प्लीज़ आप इसको ना लगा के एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत अच्छा होता है बेबी के लिए। सो आप जॉनसन्स का बेबी क्रीम ज़रूर ट्राई करें। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है बच्चों के लिए वो होता है, जब आप अपने बच्चों को डायपर पहनाती हैं ना, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा देर तक वो डायपर पहनते हैं ना, तो उनके स्किन पे ना रैसेज आ जाते हैं। तो अगर वो रैसेज आ जाते हैं तो आप लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये डायपर रैस क्रीम हिमालय का है, ये भी काफ़ी अच्छा है, या तो आप डायपर से पहले भी लगा सकते हैं या तो डायपर के बाद भी लगा सकते हैं। ये रैसेज क्रीम बहुत अच्छा है, मैं कितने बार क्रियांश को रैसेज आ चुके हैं और मैं ये लगा चुकी हूँ। सो आप, मैं एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ, इसमें रैसेज जो होता है ना कम हो जाते हैं और रैसेज नहीं आते हैं। सो प्लीज़ आप ये ज़रूर अप्लाई करें। जो प्रोडक्ट है वो है वाइप्स। वाइप्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप ट्रैवल के लिए जा रहे हैं तो आप वाइप्स लेके जाते हैं। तो आप लोग को मैं बताती हूँ कि कौन कौन से वाइप्स अच्छे होते हैं, और ये मैं सजेस्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है और मैं ये क्रियांश को यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं आपको ये प्रोडक्ट दिखा रही हूँ। कोई स्पॉन्सर्स वीडियो नहीं है, इसलिए मैं आपको ये सब प्रोडक्ट दिखा रही हूँ। तो ये जॉनसन्स का बेबी स्किन केयर वाइप्स है, ये काफ़ी अच्छा है, आप इसको होल स्किन कहीं पर भी लगा सकते हैं। और ये देख सकते हैं, ये मैं कम्प्लीट जो है ये पूरा ख़त्म हो चुका है, बस इसमें से थोड़ा सा बचा हुआ है।
होगा जो प्रियांश को मैं लगाऊंगी। और अब मैं वो जो सेकंड जो ट्राई करने वाली हूँ, ये जॉन्स, ये हिमालय का है, ये हिमालय का बेबी वाइप्स है और इसको मैंने अभी ट्राई नहीं किया है, मैं इसको आपको ट्राई करके बताऊंगी। लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये सब क्लिनिकली टेस्टेड है, जितना भी हिमालय का प्रोडक्ट है, जॉनसन का प्रोडक्ट है ना, वो क्लिनिकली टेस्टेड है, ये काफ़ी अरसों से चला हुआ आ रहा है। सो प्लीज़ आप अपने बच्चों को यही सब प्रोडक्ट यूज़ करें, ये आपके बच्चों के स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल वीडियो लाना चाहती हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ क्रियांश को। सो ये कैमरे के पीछे क्रियांश था, ये देखिए क्रियांश को, क्रियांश इधर देखो, क्रियांश क्रियांश। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।